अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप और ट्रिप का नया एपिसोड और ठंड प्रोग्राम में मैं पहुंच गया हूं पीसी भूरबन में। तेज़ इसलिए बोल रहा हूं कि हल्की हल्की बारिश हो रही है और जब बारिश तेज़ होगी तो मैं और तेज़ बोलूंगा। मैं यहां पे आया था स्नोफॉल के लिए। अभी बारिश हो रही है, उम्मीद है कि आज यहां पे बर्फ़ पड़ेगी। विंटर में पीसी भूरबन आने का मेरा मकसद यह है कि हम देखें एक तो माल रोड से घड़ियाल कैंप और वो जो सड़क है लास्ट ईयर जो वहाँ पर इंसिडेंट हुआ था उस सड़क को देखें, वहाँ पर मैनेजमेंट और लोकल गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं इनिशिएटिव्स, उस सड़क को देखेंगे और उसके बाद आएंगे पीसी भूरबन, यहाँ से खाना खाएंगे और उम्मीद है कि आज शाम तक बर्फ़ पड़ेगी। ठंड प्रोग्राम में ठंड जो है वो पीसी भूरबन आ गई है मुश्कपुरी से, तो वहाँ पे हमारा -6 था और यहाँ पे 0 टेम्परेचर है इस वक्त। बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है और हम चल के देखेंगे कि पीसी भूरबन में क्या चेंजेस आए हैं, विंटर एक्सपीरियंस लोगों का कैसा होता है। होपफुली शाम तक बर्फ़ पड़ जाए। अभी बीच बीच में आ रही है तो उतनी देर खाना खा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है वेले नहीं बैठना चाहिए, सियाने कहते हैं, तो उन्हीं देर फिर रोटी खाते रहने हैं। दो जो डेस्टिनेशन है मालमजब्बा पीसी और पीसी भूरबन, ये स्नोफॉल के लिए बड़ी फेमस हैं, तो एक तरह मैं पहुंच गया वहाँ, तो बाकी वेखने और मेरे साथ रहिएगा। और क्योंकि आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पीसी ये एक्सपीरियंस और देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेज हैं और क्या निज़ाम बन रहा है। और अगर आप देख पा रहे हो तो स्नो फ्लेक्स हैं हल्के हल्के, लेकिन वो इतने हल्के हैं कि वो गिरते ही पानी बन जाता है। आई वॉन्ट कि ये जो मेरे पीछे वाले लॉन है ना, ये बस सफ़ेद हो जाए, क्योंकि ठंड प्रोग्राम में बर्फ़ तो चाहिए, नहीं तो फिर इनसे मैनेजमेंट से करते हैं मिन्नत तल्ला के आ रहे थे ना, चिट्टा रंग करा दियो, मैं दस देंगे कि बर्फ़ हैगी, ये मेरे साथ रहिएगा। हमने जो अपना पिछला पीसी भूरबन का वीलॉग किया था उसमें सदाकत भाई ने हमें विज़िट करवाया था और लकीली आज हमें ये फिर मिल गए, और रात को हमारी बात हुई थी तो ये यहाँ पे मौजूद नहीं थे। सदाकत भाई आज मुझे बताएं क्या सिलसिला चल रहा है, अभी तो विंटर स्टार्ट हो चुका हुआ है जी, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि रिस्पॉन्स कैसा है, टूरिज़्म का क्या सिलसिला चल रहा है? सर टूरिज़्म का लास्ट टाइम जो वाकया हुआ था लास्ट ईयर उसकी निस्बत थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, लेकिन लोग अभी आ रहे हैं और इस दफ़ा हाईवे और जितने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं मरी के है। उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं ताकि कोई भी इस तरह का इन फ्यूचर कोई इंसिडेंट ना हो। तो प्रॉपर्टी में इंशाल्लाह हम आपको विजिट करवाएंगे खैबर हुजरा का, जो हमने एक नया रेस्टोरेंट ओपन किया है अपना। अच्छा, पिशावरी उसका पिशावरी क्यूज़ीन है, पिशावरी एंड अफगानी क्यूज़ीन, और अथेंटिक रेसिपी के साथ आपको चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि इसमें जो शेफ्स हजरात हैं वो भी हम वहीं से पिशावर से लेके आए हैं। और टेरेस रेस्टोरेंट लास्ट टाइम जब आप आए थे तो वो रेनोवेशन उस टाइम उसकी चल रही थी, अब हमने उसको प्रॉपर रेनोवेट करके ओपन कर दिया है और नए मेन्यू के साथ ऑल डे ब्रेकफास्ट वहाँ पे स्टार्ट किया है। सबसे मुश्किल काम खाने से लोगों को खुश करना, ये सबसे मुश्किल जॉब है, और फिर उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है खाने की क्वालिटी। खाने का काम भी ऐसा है कि दुनिया का हर बंदा इसको इसके ऊपर रिव्यू देता है, हर बंदा शेफ है, हर बंदा शेफ है, बिल्कुल। ये बड़ी मुश्किल जॉब है और माशाल्लाह आप इस जॉब को बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। मुझे लास्ट टाइम जो हमने आपने डिनर हमें बुफे करवाया था ना, उसका इतना जबरदस्त रिस्पांस आया, लोगों ने आके ट्राई किया। हाँ जी, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया, कई लोग मुझे आके मिले। अच्छा जी, हमने आपको उमर भाई के व्लॉग में देखा है। अच्छा, और आपने उनके साथ, तो ये बड़ी अच्छी बात। मैं ना बहुत कम चीज़ें रेफर करता हूँ, क्योंकि फर्ज करें मुझे अगर एक पेंट वाली कंपनी आ गई है ना कि अपने व्लॉग में बता दें कि जी ये पेंट बड़ा अच्छा है, तो मैं ये कहते हुए डरता हूँ कि यार मैं कह दूँ पेंट बड़ा अच्छा है, वो लोग मेरे कहने पर ले लें और वो बाद में ठीक ना निकले, तो मेरी क्रेडिबिलिटी भी खराब हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मैं बड़ा इस मामले में ना चूजी रहता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो डिनर बुफे था ना उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस, आज तक मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमने डिनर बुफे किया। जो लोग नहीं भी यहाँ पे रात रुकते वो बुफे करने आते हैं, बुफे के लिए इस्लामाबाद से तो आजकल इजी एक्सेस है, आप 1 घंटे में पहुंच जाते हैं भूरबन, और जब आप क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा दे रहे हो तो फिर लोग आते हैं आपके पास, और फिर कंसिस्टेंसी के साथ हो कि आपने एक दिन अच्छी चीज़ बनाई तो दूसरे दिन भी जब तक वो टेस्ट नहीं होगा तो फिर आपके पास लोग नहीं आएंगे। तो इस पे हम काफ़ी फोकस्ड भी हैं, ठीक है, और हमारे जो GM साहब हैं वो इस चीज़ में बड़े टचिंग हैं, इस मामले में वो खुद फूडी हैं और उनको फूड पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए। खैबर हुजरा में दम पुख्त, चपली कबाब और चरसी टिक्का वगैरह आपको ट्राई करवाएंगे, तो इंशाल्लाह वो फिर आप रिव्यू देंगे कि हमारा खाना किस तरह से। चलें फिर अभी हम चल रहे हैं पिशावर हुजरा में, खैबर हुजरा में।
उमर भाई ये है कि जो इसमें चपली के बाद जिस पे हम बनाते हैं ना, उसमें प्रॉपर तरीके से जो बीफ की फैट है उसी को मेल्ट करके उसी का ऑयल बनाया जाता है और उसमें जाके चपली कबाब बनता है, क्योंकि वो उसका जो एक अरोमा है ना वो उसी से ही आएगा। आप डालडा में या किसी और भी घी में करेंगे तो उससे वो टेस्ट नहीं आएगा जो इसके ओरिजिनल फैट को मेल्ट करके जो ऑयल में टेस्ट तो हमें आज आप क्या खिला रहे हैं? आज आपको हम टेस्ट करवाएंगे चपली कबाब दम पुख्त एंड दुम्बा कढ़ाई। वेरी गुड। लास्ट टाइम आपने जो मुझे मटन दो प्याज़ा खिला दिया था ना, मैं अभी तक उसी के शहर में हूँ और बड़े लोगों ने हमें कहा है कि यार हमने भी बाद में जाके ट्राई किया तो बड़ा ज़बरदस्त था। आज हमें साकत भाई एक तो मटन कढ़ाई जो पिशावरी कढ़ाई होती है, दुम्बा कढ़ाई उसके साथ दुम्बा का दम पुख्त और साथ में चपली कबाब, ज़बरदस्त। ठीक है जी, मेन्यू नोट कर लें, अभी आप उस पर भी दिखाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे शेफ हैं जी, ये केपी के से ही आए हुए। अच्छा, ये इन्होंने वही अथेंटिक रेसिपी लाके हमारे खैबर हुजरा पीसी बुरबन में स्टार्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को वही अथेंटिक जो नमक मंडी वाला टेस्ट है वही मिल रहा है। इसमें किसी भी तरह के आप देख लें कोई स्पाइसेस नहीं है, वेजिटेबल है, उसका अरोमा, लेमन जूस, ग्रीन चिली और सॉल्ट, ओनली सॉल्ट। कोई भाई भूख लग गई है कसम से, जबरदस्त। अच्छा ये बात हम कर रहे थे कि जो टेस्ट होता है ना, जैसे हम लोग लाहौर में कराची वाली बिरयानी नहीं बना पाते, ठीक है ना, वो उस जगह का टेस्ट होता है और शायद इस चीज को ये समझते हैं, इन्होंने बंदे भी वहीं से बुला लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आटे का दम लगेगा इसको। अच्छा जबरदस्त, उसकी स्टीम में ताकि वो पके अपने। साल्ट लगाना है, ठीक है, और फैट इसके साथ इसके ऊपर टोस्ट करनी है ताकि जब वो फैट मेल्ट हो तो वो फैट का टेस्ट और सॉल्ट का, इसमें कोई स्पाइसेस और इसकी मैरिनेशन नहीं हुई पहले से, कोई मैरिनेशन नहीं, कच्चा है, कच्चा बिल्कुल। इसी तरह से हमने ओनली सॉल्ट लगाना है और एक सीख पे फैट लगा के वो इसके ऊपर टोस्ट करेंगे ताकि वो अच्छा, फैट अच्छा, का जो अरोमा होगा वो इसके साथ आएगा। उसके ऊपर अभी करनी है और कोई चीज यूज नहीं होगी, जब इसको कोयले में पकाएंगे तो साथ साथ फैट के साथ उसको टोस्ट करते जाएंगे। ये थोड़ा ट्रिकी काम है वैसे इसको बनाना, ट्रिकी काम, और यानी कि ये इसीलिए इसमें फ्रेश मीट यूज करते हैं ताकि ये आपका इसी में पके, इसमें फ्रोजन मीट। अच्छा, ये फ्रेश मीट है, फ्रेश मीट। अच्छा अच्छा, वो वाला सीन नहीं है फ्रीज किए हुए, नहीं फ्रीज वाला मीट हम खैबर हुजरा में यूज नहीं करते, वो बैंक्वेट इवेंट्स वगैरह के लिए होते हैं, लेकिन इसके लिए हम फ्रेश मीट यूज करते हैं। यानी कि जब ये पकेगा तो साथ ये फैट पकेगी और वो इसके ऊपर इस तरह से इसको टोस्ट करते जाएंगे तो वो उसका फैट मेल्ट होकर उसमें टेस्ट आएगा। जिंजर, सब्ज मिर्च, ऐसे ही होता है वो, उसका रंग भी बदल जाता है। जी तो हमारा ऑर्डर जो है वो पहुंच चुका है खैबर हुजरा में, और तब तक आपको पता है जो फूड लाइव है और पिशावरी फूड में वैसे भी टाइम लगता है, तो मैंने कहा चलें जो हमारा इनका लॉन है वो विज़िट करते हैं और सर्दियों में देखते हैं कि क्या व्यू होता है। वैसे मैं आपको बताता चलूं, आज बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन थी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे स्नोफॉल की प्रेडिक्शन को देख के आए हुए हैं मेरी तरह, लेकिन सुबह चार पाँच बजे बर्फ़ पड़ गई थी और ऐसी पड़ी थी कि अभी सारी वाइप आउट हो चुकी है। तो मेरा तो प्लान ये था कि मैं इसको मैं बर्फ़ में दिखाऊँ कि कैसा लगता है, लेकिन जब बर्फ़ पड़ती है तो ये कैसा लगता है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तब तक हम देखते हैं एम्फी थिएटर और इसके जो लॉन्स हैं और यहाँ से इस बिल्डिंग का कैसा व्यू आता है। अच्छा, रात में था डूंगा गली में और हम लोग मैंने एक बड़ी अजीब सी चीज़ ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दी है कि पहले गलियात बहुत ज़्यादा जो है ना कमर्शलिज्म से पाक था, लेकिन यह है कि मुझे रात को लोगों ने इतना डराया कि नहीं बड़ी बर्फ़ होगी, रास्ते बंद होंगे, और मुझसे 9,000 रुपया मांग रहे थे लोग कि हम लोग आपको मरी माल रोड ड्रॉप करेंगे। ये हार्डली 27 से 28 किलोमीटर का एक फासला बनता है, तो उसका 8,000 रुपया मुझसे मांग रहे थे और डरा रहे थे कि आप बहुत ख़तरा है। हालांकि उस वक्त बर्फ़ पड़ी कोई नहीं थी, रास्ते क्लियर थे
और बिला वजह के वो मुझसे पैसे ले रहे थे। तो जिस बंदे को, मरी वाले बंदे को जिनको हम कहते हैं कि बायकॉट मरी, उस बंदे ने मुझसे 6,000 रुपया लिया, हालांकि है ये भी ज़्यादा, लेकिन वो मुझे बाड़ियाँ से लेने आया था। तो ये चीज़ मुझे बड़ी लगी है कि भाई अगर बर्फ़ में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है ये है, मुश्किल है, इसमें आपने चेन लगानी होती है, आम ट्रैवल से मुश्किल है, तो आप इसका 500,000 बढ़ा लें, हालांकि 6,000 भी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को जो है वो गलियात में भी आती जा रही है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आई रियली डोंट वांट के गलियात में भी वही सिलसिला शुरू हो जाए जो नारायण मरी में होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसे एक दो दफ़ा एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ इस चीज़ को लेके कि हमारे अपने रवैये भी इस चीज़ में ठीक नहीं है। जी सर, ये आपका केपी के थाल, जिसमें आपको काबली पुलाव भी मिलेगा, चरसी टिक्का भी मिलेगा, सीख कबाब भी मिलेंगे, नमकीन बोटी भी मिलेगी। आपने मुझे सदाकत भाई 2-3 चीजें कही थी और रहा तो ज्यादा गई हैं, अभी तो हमारी वो कढ़ाई भी रहती है, लेकिन ये आप खाएंगे आपको जो भारीपन है ना वो फील नहीं होगा इंशाल्लाह, ये खा के आप कहेंगे और ले आओ। अच्छा, ये बोटी बनाई है जी, और इसमें उन्होंने जो चर्बी का टिक्का था उसको साथ साथ वो सोक कर रहा था चर्बी, उसको जो चिकनाई है वो वहाँ से मिल रही थी, और एंड पे वो कहाँ पे गई है देखें, जो हमने चर्बी की बोटी देखी थी वो इतनी सी रह गई है, तो सारा जो इसका जो है ना टेक्सचर, सारा इसका फ्लेवर इस बोटी में आ चुका है, और ये है भी नरम। सर ये एक कमाल है, छोटा जानवर होगा तो उसमें भी देखिए कोई चीज इसको नहीं लगी हुई, लेकिन वो मीट आप देखिए बिल्कुल सॉफ्ट होगा। चलिए क्या बात, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, बहुत ही टेंडर, जबरदस्त। अच्छा, ये ग्रिल्ड ग्रीन चिली भी हम इसीलिए सर्व करते हैं ताकि जो लाहौरी पंजाब वाले लोग आते हैं उनको एक स्पाइस का टच देने के लिए, कि अगर उसने नमकीन टिक्के के साथ थोड़े मिर्ची वाला टच लेना है तो वो ठीक है जी। हमारा जो केपी के थाल सेशन था वो ख़त्म हो गया, और वो जो थाल सेशन था ना वो धमाल फैशन था बेसिकली। हाँ जी, जो हमने किया उसके साथ लें जी। अब ये देखें, इसके बाद आ गया जी हमारा दम पुख्त एंड दुम्बा कढ़ाई। दुम्बा कढ़ाई ये वही ओनली टोमेटो एंड सॉल्ट ब्लैक पेपर के साथ, और ये जो दम पुख्त है ये जो हमने स्टार्ट में आपको दिखाया था कि उसमें दम लगा के तकरीबन 1 घंटा ये डिश लेती है। ये देखें जी, ये आपका जो लैम शेंग के पीसेस हमने रखे थे, और इसमें जो सबकी सबसे मज़े की चीज़ मुझे लगती है कि वो उसी ऑयल में पके हुए ये पोटैटो और ये जो होल गार्लिक हमने डाला था, इसको ज़रा सा प्रेस करेंगे, वाह वाह वाह, तो ये जो चीज़ निकलती है ना, ये तो वाकई आप कह रहे हैं कि खाया हुआ खाना बंदा खा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको देख के जो, और ये जो उसकी फैट थी उसी का घी आप, और ग्रीन चिली का अगर टच देना है तो ये ग्रीन चिली चला लो। ये बता रहे थे भाई के जैसा भाई कि कितना मेल्ट है, और ये जो पोटैटो है इसके ऊपर उन्होंने एडिशनल इसका जो चर्बी मेल्ट हुई है वो डाली है, और अब चेक करें ये क्या सिलसिला बन गया। नीचे मैंने रखी है बोटी और ऊपर डाला है मैंने आलू जो कि भीगा हुआ है दिसंबर में चर्बी की। अब ये देखें इसकी टेंडरनेस की, ये बिल्कुल, ये आपने उठाया सर वो खुद ही लैदा हो गया। हाँ जी, ये एक्सपर्टीज है। हाँ जी, ये एक्सपर्टीज है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है। इसमें मैंने तय नीचे बिछा लिया गार्लिक की, और साथ मैंने रख लिया बोटी, और मिर्च मैं बाद में खा लूँगा। और उमर भाई आप, हमने जी जो इसके नीचे अंगीठी वाला काम किया ना कि आपके आखिरी बाइट तक आपको खाना गर्म, ये बड़ा मसला है, आप -2 में -3 में बैठे हैं और गर्म खाना खा रहे हैं, खाना गर्म है जी। लास्ट हमारी जो आइटम है वो है जी हमारी दुम्बा कढ़ाई। दुम्बा कढ़ाई, वाह जी वाह। अच्छा, इससे खाने से पहले एक जी हमारी स्पेशल चटनी है ग्रिल टोमेटो के साथ, ये टोमेटो सीख पे लगा के जिस तरह दुम्बा हम टिक्का करते हैं इसी तरह से इसको ग्रिल करेंगे, इसकी फिर स्किन ऑफ करके इसकी चटनी बनाएंगे, इसमें ओनली ग्रीन चिली एंड टोमेटो होंगे, तो ये इंशाल्लाह आप ट्राई करें। तो आपको ये नीचे से लग के आ रही है ना, तो पूरी इसमें चर्बी और मसाला सारा, इसमें मिक्सचर जो है वो सारा टेस्ट लेके आएंगे इंशाल्लाह।
सदाकत भी लगे हुए हैं इस काम के पीछे। भी खुशबू आ रही है। हाँ जी, क्योंकि ये दुम्बई की फैट में बनी है, वो जो फैट का एक टेस्ट और अरोमा होता है वो उसके साथ। चटनी है ये, बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई गई है, मैंने इस पर गौर नहीं किया था। जो टमाटरों को पहले ग्रिल किया है, फिर उसकी स्किन को पील ऑफ करके, और उसमें सारी, और उसमें क्रश और बड़ी रॉ रॉ फील आ रही है। ये मैंने पहली दफ़ा खा रहा हूँ, ये मैंने पहले नहीं खाई। वैसे ये नमक मंडी से भी नहीं मिलती। हाँ जी, है ना, ये हमने अपनी थोड़ी इनोवेशन की है इसमें। अच्छा, ताकि आप जब आप यहाँ पर कढ़ाई और उसका वो टेस्ट लें जी, तो उसमें फिर आपको ज़रा बिस्मिल्लाह जी। मैंने ज़्यादा सारी चटनी लगा ली है ताकि मुझे चटनी का टेस्ट जो है ना वो ज़रा ज़्यादा फील आए कि कैसा बना है। ज़्यादा इसमें हरी मिर्चें भी हैं चटनी में जी, हरी मिर्च वो फिर उसकी चाहे ज़रूरत नहीं थी, वो भी ग्रिल्ड हुई। हाँ, ज़बरदस्त। ये आप देखें बोटी, ये देख रहे हैं कैसे खुल रहा गोश्त। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा चैलेंज भी यही होता है, गोश्त को इस तरह से गला लेना और फिर सारी चीज़ों को बैलेंस रखना। बैलेंस बड़ी बड़ी मुश्किल जॉब है जी। मेरा ख्याल खाने वाली जॉब ज़्यादा अच्छी है बनाने से। अजीब वो गरीब रिव्यू आया कभी? लेकिन ना गरीब रिव्यू, एक कंप्लेन हुई थी मेरे स्टार्ट में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था जी। तो एक गेस्ट ने क्लब सैंडविच का ऑर्डर किया और उसने कहा कि जी अंदर से शेफ को बुलाएं, मैंने उसे कोई कंप्लेन कर ली। तो वो वेटर आया, सर आपको गेस्ट बुला रहा है। मैं गया, मैंने कहा जी हुक्म करें। तो वो अपने टूथपिक निकाल के बैठा हुआ था क्लब सैंडविच से, ठीक है, कहता जी आपके क्लब सैंडविच से टूथपिक निकले। तो मैंने कहा जी अल्ले तीन और निकलेंगे। वाह वाह वाह। ले जी, डेढ़ दो घंटे वेट किया ज़्यादा कि शायद बर्फ़ हो, हल्का सा स्नो शावर होता है उस तरह का कि जो गिरती है और फौरन से पिघल जाती है। लेकिन अभी मुझे निकलना है, तो शाम ऐसे भी हो जाएगी, अभी 15 मिनट तक अंधेरा हो जाएगा। तो आज का एपिसोड मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और जो वीलॉग और जो ठंड प्रोग्राम सीरीज़ है उसका ऑफिशियली आज एंड हो गया है, क्योंकि अब वैसे भी तूफान लग गया तो काम बच जाएगा और बर्फ़ को हम गुड बाय कहेंगे। जल्द ही मैं अपनी सीरीज स्टार्ट करूँगा साउथ पंजाब की, मैं वहाँ पर बहुत कम गया हूँ और वैसे भी मुझे अपना बड़ा दिल करता वहाँ जाने का। इस एक्सपीरियंस के बारे में मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, लिहाजा दैट्स ऑल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।